जब भी टीवी सितारों से पूछा जाता है कि क्या आप टीवी सीरियल्स के अलावा कोई भी नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उनका जवाब ना होता है, क्योंकि टीवी सीरियल्स में इन सितारों का करियर फिक्स होता है और परमानेंट भी, इसलिए सितारे अपना परमानेंट करियर छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में ऐसे भी कई सितारे हैं जिन्होंने टीवी सीरियल में अपना फिक्स करियर छोड़ एल्बम सॉन्ग में काम किया है और उनमें काम करके मशहूर हो गए हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उन सितारों के बारे में। नंबर वन, अघाना भोसले। अनुपमा सीरियल में नंदिनी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अघाना भोसले इस सीरियल के बाद म्यूजिक वीडियो दिल नो दिलदार में नजर आई है, जो कि इनका फर्स्ट एल्बम सॉन्ग है जिसमें ये कमाल की नजर आ रही हैं। नंबर टू, रुबीना दिलायक। टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री रुबीना दिलायक ने बिग बॉस 14 के बाद म्यूजिक एल्बम में काम करना पसंद किया, इसलिए इन्होंने इस रियलिटी शो के बाद कई सारे म्यूजिक एल्बम किए, जिनमें मरजानिया, गलत और तुमसे प्यार है जैसे म्यूजिक वीडियोज शामिल है। नंबर थ्री, हिना खान। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हिना खान साल 2018 में बिग बॉस सीजन 11 करने के बाद अपने पहले म्यूजिक वीडियो भासुडी में नजर आई थी, जिसमें इन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, इसलिए इन्होंने इसके बाद कई सारे म्यूजिक वीडियोस किए जिनमें रांझणा और पत्थर वर्गी जैसे म्यूजिक वीडियो शामिल है। नंबर फोर, शहीर शेख। टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम अभिनेता शहीर शेख साल 2011 में बेस्ट ऑफ लक निक्की में नजर आए थे, जिसके बाद इन्होंने अपना रुख म्यूजिक वीडियोस की तरफ कर लिया और ये हमें उसी साल तेरी पलके में नजर आए, जिसमें इन्हें काफी पसंद किया गया, इसलिए तो इन्हें कई और म्यूजिक वीडियोस मिले जिनमें ऐ मेरे दिल अब मेरी जान लेगी क्या और बारिश बन जाना जैसे म्यूजिक एल्बम्स शामिल है। नंबर फाइव, निया शर्मा। टीवी इंडस्ट्री की बोल्ड अभिनेत्री निया शर्मा सीरियल मेरी दुर्गा में नजर आए थे, तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सीरियल में हटकर भी कुछ कर सकती हैं, इसलिए इन्होंने अपना रुख म्यूजिक एल्बम की ओर किया और साल 2018 में वादा म्यूजिक एल्बम में नजर आई, जिसके बाद इन्हें और म्यूजिक एल्बम मिले जिनमें होर पिला और दो घूट जैसे हिट म्यूजिक एल्बम शामिल है। नंबर सिक्स, मोहसिन खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फेमस एक्टर मोहसिन खान इस लिस्ट में एक ही कैरेक्टर निभाकर थक गए थे, जिसके बाद इन्होंने कुछ नया करने का ट्राई किया और म्यूजिक वीडियोस में अपना नया प्रोजेक्ट बनाया, जिसके चलते ये हमें साल 2020 में अपने पहले म्यूजिक एल्बम बारिश में नजर आए, जिसमे इनकी केमिस्ट्री को शिवांगी के साथ काफी पसंद किया गया, इसलिए इन्हें और भी कई म्यूजिक वीडियोज मिले जिनमें वो चांद कहाँ से लाओगे और प्यार करते हो ना शामिल है। नंबर सेवन, पारस कलनावत। अनुपमा सीरियल में समर का किरदार निभाने वाले अभिनेता पारस कलनावत इस सीरियल के साथ साथ हमें एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए, जिसका नाम तेरे नाल रहना, अखा विच और दिल नू दिलदार है। नंबर एट, रूपाली गांगुली। अनुपमा सीरियल में अनुपमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली इस सीरियल में काफी बेहतरीन लग रही हैं, इसलिए तो इन्हें एक न्यू म्यूजिक एल्बम ऑफर हुआ जिसमें ये हमें नजर आएंगी, मगर अभी तक म्यूजिक वीडियो का नाम पब्लिक नहीं हुआ है। नंबर नाइन, गौरव खन्ना। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम आता है अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने वाले अभिनेता गौरव खन्ना का, जो कि जल्द ही हमें एक म्यूजिक एल्बम में नजर आने वाले हैं, मगर म्यूजिक एल्बम का नाम अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को ये सितारे म्यूजिक एल्बम में ज्यादा अच्छे लगते हैं या सीरियल्स में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।